एनटीए कई तरह के एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो दो बार सामने आई हैं आज से 6 साल पहले और इस बार भी, ये दोनों नीट को लेकर आई है। तो अगर एक ही संस्था कई तरह के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है अलग अलग समय पर, तो ये घटनाएं नीट में क्यों आ रही हैं? एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये दोबारा घटना क्यों हुई यहां पर। दूसरा, अगर ये मान लेते हैं कि ठीक है, उन्हें समझाया गया कि आपने ये लिया, अगर मेटल डिटेक्ट करेगा तो आपको उन्हें अलग कर देना, ये चीजें करवानी है, तो ये लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है? लड़कों को लेकर भी क्वेश्चन आ रहा है कि वहां पर क्यों नहीं हो रहा है, जबकि वो भी जींस पहनते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि अब मेजॉरिटी बच्चे आज के जमाने में जींस पहन कर जाते हैं, तो वहां पर ये घटनाएं नहीं आ रही हैं लड़कियों के साथ आना। इसके अलावा खबर तो ये भी थी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही पालन नहीं किया गया, तो क्या ग्राउंड लेवल पर यह भी चीजें समझने की जरूरत है? क्योंकि कहा गया कि सबके इनर गारमेंट्स एक साथ एक कमरे में फेंक दिए गए थे। आज के दौर में जब 16,000 केसेस वापस आ रहे हैं और केरल जैसे राज्य में, तो क्या एनटीए को भी अपने आप को दोहराने समझने की जरूरत है? बहुत सारे इस खबर को लेकर सवाल जो है शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो जरूर एनटीए की। जैसे कोई भी कंपनी में कुछ गड़बड़ होता है तो लास्ट फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीईओ का होता है ना, वैसे ही ये जिम्मेदारी लास्ट में एनटीए की ही है। जो इंस्ट्रक्शन जो जिन कंपनियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए और जिनको उन्होंने एम्प्लॉय किया, जिस किस्म के ब्रीफिंग्स मतलब प्रिपरेशन जो है वो हुआ, किस किस्म के लोगों को वॉलंटरी काम, जैसे आप कह रहे थे ना, वो यूनिवर्सिटी के जो दो मेंबर्स को भी काम दिया गया, तो वो सब किस तरह के प्रोसेसेस, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस, किस तरह के यू नो व्हाट इज इट कॉल्ड प्रॉक्सी कहेंगे ना, प्रोसीजर और प्रोसेसेस जो फॉलो करना है, वो अगर उसमें कोई कमी है तब ये सब होता है। और जैसे आपने शुरू में कहा कि ये थोड़ा इसके निर्भर है कि लोग अपना क्या बोलते हैं जजमेंट इस्तेमाल करें कि मतलब ये जरूरी है, टीचर भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं क्योंकि उनको डर है अपने अपने नौकरी की, आपने किसी को छोड़ने दिया, तो ये बहुत ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक होके करते हैं ये सब। नहीं, लेकिन मैंने मैम जब ये इस खबर को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर जब मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, तो तमाम लड़कियां मेरे पास कमेंट करने आईं, जिनके कमेंट पढ़ा था मैं, कि हमारे साथ भी सेम चीजें हुई, वहां पर भी बीप हुआ, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर थी वो मुस्कुराकर हमें जाने दिया, उन्होंने एक हमने स्माइल एक्सचेंज किया और हम आगे चले गए। तो उसके बाद ये भी घटनाएं सामने आती है, तो क्या एनटीए के इंस्ट्रक्शंस में क्लैरिटी कहीं ना होना या बिल्कुल उसमें स्पष्टता ना होना, ये एक वजह भी बन रही है कि जो वहां पर एग्जामिनर उससे भी क्लैरिटी नहीं है, उसके विवेक पर छोड़ दिया गया कि अगर आप चाहें तो उन्हें जाने दें या फिर कोई सख्ती करे, तो ऐसा केस निकलकर सामने आ जा रहा है। जरूर एनटीए को क्लैरिफाई करने की जरूरत है, खासकर जैसे आपने कहा कि 5 साल पहले भी ऐसा हुआ था, तो अगर 5 साल पहले हुआ था तो बाकी उसके बाद के सारे प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस में ये बात होनी चाहिए थी कि ऐसा नहीं किया जाए लड़कियों के साथ। संजीव जी, ये मामला चलित्र यहां समझ में आ गया कि एक मेटल डिटेक्टर को लेकर था। अभी हाल फिलहाल में हमने एक और परीक्षा देखी जहां पर लड़कियों को स्लीव्स कटवा दिए गए थे, फुल स्लीव्स में थी, उसको भी कटवाने की खबरें सामने आई थी। तो ये जो घटनाएं आती हैं, ये इसकी वजह क्या मूल होती है? क्या इंस्ट्रक्शन से क्लैरिटी नहीं होती है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक बात जो सबसे ज्यादा परेशान मुझे कर रही है वो ये कि बच्चा पेपर देने आता है, उसके दिमाग में पेपर का टेंशन अलग रहता है, उस पेपर के टेंशन के बीच जब आप एक अतिरिक्त बोझ डालते हैं तो उसकी सारी तैयारी एक तरफ और ये सारी परेशानियां एक तरफ, अगले 3 घंटे उसके दिमाग में सब चलता रहता है, उसका असर उसके पेपर पड़ता होगा जो शायद उसके भविष्य पर भी असर दिखाएगा। बिल्कुल, आपसे मैं एकदम सहमत हूं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी होता है और वो कई बार इतना बच्चे ले लेते हैं प्रेशर कि उसमें एडिशनल प्रेशर लेने का की गुंजाइश नहीं रहती है। देखिए, मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस में क्लैरिटी नहीं होगी क्योंकि हर एक सेंटर के अपने एक इंचार्ज होते हैं और चूंकि इतने व्यापक पैमाने पे एग्जाम होता है तो वही इंस्ट्रक्शन सबको जाते हैं और वहाँ पे कॉमन सेंस पे कुछ चीज़ें छोड़ना भी चाहिए क्योंकि इतना मैकेनिकल कोई प्रोसेस हो जाए तो उसके अपने दुष्परिणाम होते हैं। तो ये तो कॉमन सेंसिकल अप्रोच की बात है कि भाई आप जो भेज रहे हैं वो स्टूडेंट हैं और वो एग्जाम देंगे, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी का कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो बॉर्डर पे वो जा रहे हैं और
दूसरी तरफ चले जाएंगे और उसके रिपरकशंस बहुत कुछ और होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो रेजिमेंटेड अप्रोच है इसकी बजाय रिफ्लेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए कि क्यों हम ये कर रहे हैं। वो सिर्फ ये है कि कोई चेट कोई ऐसा ऐसी चीजें बच्चे साथ ना ले जाएं जिससे नकल करने की गुंजाइश बढ़ जाए, तो इतना ही है ना। तो इसके लिए वो उतना कॉमन सेंसिकल अप्रोच पे छोड़ना पड़ेगा और सेंटर एग्जाम के सेंटर के जो इंचार्ज हैं और जो स्टाफ वहाँ पे इन्वॉल्व हैं इसमें उनको उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको क्या मिलता है, उनको दिन भर के एग्जाम में कुछ रुपए मिलते होंगे उस दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी के, इससे ज़्यादा तो कोई ये तो नहीं चाहेगा कि उसके बाद वो गिरफ्तारी के प्रक्रिया में चला जाए। तो मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम एक फियरलेस सोसाइटी और एक फियरलेस एग्ज़ाम सिस्टम बना सकें। मुझे लगता है ये बात कम्युनिकेट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है।